दिल्ली NCR में पटाखों पर प्रतिबंध के हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस पटाखा बेचने वाले 400 लोगों के अस्थायी और 150 लोगों के स्थायी लाइसेंस रद्द करेगी। पुलिस पटाखा बेचने वालों के लाइसेंस रद्द होने करने का विज्ञापन भी जारी करेगी। ये प्रतिबंध 1 नवंबर तक जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवम पहले ई कॉमर्स साइट के जरिए मोबाइल ऑर्डर करता था, फिर उस साइट के हेल्प सपोर्ट को फोन कर कहता था कि डिब्बे में मोबाइल नहीं है। इसके बाद वो अपना कैश रिफंड करवा लेता था। रिफंड मिलने के बाद आरोपी उसी मोबाइल को दूसरी साइट पर बेच देता था। इस तरह उसने 52 लाख रुपए की ठगी की। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन के नाम से चर्चित घरों में लूटपाट और चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह मकानों की दीवारों के सहारे चढ़कर चोरी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। इस गिरोह के मास्टरमाइंड को स्पाइडरमैन के नाम से जाना जाता है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ब्रांडेड तेल का स्टिकर लगाकर नकली तेल बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फरीदाबाद स्थित शिव शक्ति एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी तेल के डिब्बों पर ब्रांडेड तेल कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली तेल बेच रही थी। तेल कंपनियों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने छापेमारी कर नकली तेल के कई डिब्बे जब्त किए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि पटाखों के स्टॉल और बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र में भी लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री बंद करने और बिक्री के लाइसेंस रद्द करने के भी आदेश जारी किए हैं। मुंबई पुलिस ने चर्चित पल्लवी पुरखायस मर्डर केस में दोषी सज्जाद मुगल को दोबारा गिरफ्तार किया है। सज्जाद मुगल मार्च 2016 में पैरोल पर रिहा हुआ था और उसके बाद जम्मू कश्मीर फरार हो गया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर दत्ता पडसलीकर ने सज्जाद की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया है। मुंबई के पास ठाणे में एयरफोर्स के 3 कर्मचारी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जख्मी हो गए। ये हादसा ठाणे के लोकमान्य नगर में एक एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ। एयरफोर्स के जवान शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे थे कि बिजली की चपेट में आ गए। ज्वेलर से फिरौती के मामले में दाऊद के भाई इकबाल कास्कर और उसके 2 साथियों की पुलिस कस्टडी 14 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कल इन्हें ठाणे कोर्ट में पेश किया गया था। गुजरात के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जिसने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया है। मुंबई में नई दरें लागू होने के बाद अब पेट्रोल की कीमत 75.58 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 59.55 रुपए प्रति लीटर हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं क्योंकि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तैनात महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्स के लोगों की तैनाती के बावजूद उनके साथ मारपीट हो जाती है तो उनके बिना वो जोखिम मोल नहीं लेना चाहते।